यह स्कूल की प्रेम कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको पढ़ने का मन नहीं करता था। इस लड़के को स्कूल जाने का मन भी नहीं करता था। उसे स्कूल से काफी नफरत होता है। चलिए इस लड़के के स्कूल की प्रेम कहानी, स्कूल लव स्टोरी को जानते हैं। एक दिन काफी घर वालों के दबाव पर वह लड़का स्कूल की ओर चल दिया। उसके मन में काफी गुस्सा उबल रहा था। वह सोचता था कि फिर आज मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक बनाने वाले हैं। इसके साथ ही टीचर का भी काफी सुनने को मिलेगा। यह सब सोचते हुए वह लड़का स्कूल की ओर चल रहा था। वह स्कूल तक पहुंचा। वह देरी से कुछ समय में ही आज पहुंच गया था, इसलिए उसे लेट होने पर डांट ना सुनना पड़ा। वह काफी खुश हुआ, क्योंकि इससे पहले वह जब भी स्कूल आता था तो उसे डांट सुनने को मिलता था। प्रार्थना के बाद वह अपनी कक्षा में गया, लेकिन उसके कोई भी दोस्त उसका मजाक नहीं उड़ा रहे थे। इसके साथ ही उसे कक्षा का सबसे टॉपर लड़के के साथ बैठने का मौका मिला। अब वह लड़का खुशी से झूम रहा था। कक्षा में टीचर तो आए, लेकिन किसी भी टीचर ने उस लड़के को डांटा ही नहीं। जब क्लास का टॉपर लड़का क्लास के टॉपर लड़की के पीछे वाली सीट पर बैठा तो यह लड़का भी वही चला गया। वह दोनों एक दूसरे से काफी बात कर रहे थे और यह लड़का बस चुपचाप अपने किताब को पढ़ रहा था। इतने समय में ही वह लड़की इस लड़के से बोली, तुम रोज स्कूल क्यों नहीं आते हो? मुझे देखो, मैं रोज स्कूल आती हूँ, इसलिए ही मैं पढ़ने में तेज हो गई हूँ। इस पर वह लड़का बोला, मैं रोज स्कूल आना चाहता हूँ, लेकिन मेरा कोई अच्छा दोस्त नहीं है जिससे मेरा स्कूल का टाइम पास हो सके। इसके साथ ही काफी बच्चे मेरा मजाक बनाते हैं। इसी सब कारण से मैं रोज स्कूल नहीं आना चाहता हूँ। इस पर वह लड़की बोली, चलो आज से हम दोनों टापर तुम्हारे दोस्त हैं। जब भी तुम्हें कुछ भी दिक्कत हो तुम मेरे पास आना। इसके साथ ही अब से तुम और यह टापर मेरे पीछे वाली सीट पर बैठा करना। इसके लिए मैं अपने क्लास टीचर से बात कर लूंगी। इसके बाद वह लड़का खुशी से पागल होता जा रहा था। इसका कारण था कि उसे एक लड़की ने रोज स्कूल आने का कहा। इसके साथ ही उसे लकड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठने का मौका मिला है और यह लड़की क्लास की टॉपर है। अगले दिन वह लड़का समय से पहले ही स्कूल पहुंच गया। इसके बाद वह लड़की का इंतजार करने लगा। सभी छात्र और वह लड़की भी आ गई। जब क्लास शुरू हुआ तो यह लड़का लड़की की पीछे सीट पर बैठ गया। अब बस वह पढ़ना चाहता था ताकि वह उस लड़की के बराबर हो जाए, इसलिए वह काफी मेहनत से पढ़ने लगा। लेकिन अभी भी उसे काफी सवाल समझ नहीं आते थे, इसमें वह लड़की इस लड़के की मदद करती थी। कुछ ही समय में वह लड़का पढ़ने में काफी तेज हो गया। इसकी इतनी पढ़ाई को देख सभी टीचर और छात्र परेशान थे। एक दिन उस लड़के के मन में सवाल आया कि मुझे उस लड़की से प्रेम तो नहीं हो गया है। इसके लिए उसने लड़की से कहा, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? उस लड़की ने कहा, क्या मदद करना है? इस पर उस लड़के ने कहा, मुझे परीक्षा में तुम्हारी मदद चाहिए। इस पर लड़की ने जोर से हंसना शुरू कर दी। उस लड़की से कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एक बार वह लड़का एक मारपीट में फंस गया। सभी लड़के के बोल रहे थे कि इस लड़के ने ही पहले हाथ छोड़ा है, लेकिन इस लड़की ने लड़के को बचा लिया। इसके बाद यह लड़का समझ गया कि इस लड़की को प्रेम हो गया है। अब लड़के मन में एक और सवाल था कि क्या मैं इस लड़की के लायक हूँ या नहीं। फिर काफी सोचने के बाद यह लड़का समझा कि यह लड़की तो टॉपर है, लेकिन मैं नॉर्मल छात्र हूँ। अब क्या था?
यह लड़का और मेहनत के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। वह कहते हैं कि प्रेम दीवाना होता है। साल के आखिरी में वह लड़का पूरे क्लास का टॉपर बन गया। अब वह काफी खुश था। लेकिन तभी उसके क्लास के काफी छात्र ने एक बड़ी स्कूल का एग्जाम देने का पेपर भर दिया। कुछ लड़कों ने कहा कि अगर तुम वास्तव में एक टॉपर हो तो तुम्हें भी उस स्कूल का एंट्रेंस पेपर देना चाहिए। लड़का भी ताव में आ गया और उसने दूसरे स्कूल का पेपर दिया और उस स्कूल में सेलेक्ट भी हो गया। लड़के के घर वालों ने उसका नाम नए स्कूल में लिखवा दिया। अब इस लड़के को इतना भी समय नहीं मिला कि यह लड़का उस लड़की को बता सके। इसके बाद वह लड़का अपने घर वालों और पढ़ाई के आगे झुक गया। आज भी वह लड़का अपने प्रेम को अपने दिल में बनाए हुए रखा है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।